अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू राजन ऑफिशियल। होप सो यू आर ऑल फाइन एंड आई एम आल्सो फाइन। गाइस टुडे ट्यूटोरियल इज अबाउट कि हम किस तरह से हाउ टू कनेक्ट डॉट टी के या फ्री नोम डोमेन विद ब्लॉगर। कि हम अपनी जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में लर्न किया था कि फ्री नोम की जो डोमेन नेम है वो हम किस तरीके से ब्लॉगर पे, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ब्लॉगर पे उसको कनेक्ट कर सकते हैं और अपने ब्लॉग को डोमेन की शक्ल दे सकते हैं ब्लॉगर डॉट कॉम एक्सटेंशन की जगह। सो गाइस मेरे पास अकाउंट लॉगिन है, मेरे पास नई लॉगिन, तो मैं इसको लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन करने के बाद मेरे पास एक ब्लॉग होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं ब्लॉगर डॉट कॉम ओपन करूँगा क्योंकि मेरे पास इसमें शायद ब्लॉग हो, तो मैं ब्लॉगर डॉट कॉम यूज़ करूँगा। डाउन क्यों जा रही है? मेरे पास एक ब्लॉग है, मैं उसके साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। सर्विसेज में जाके मैं अपनी माई डोमेन्स के ऊपर जाऊँगा और हम इंशाल्लाह अभी ही जो है हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। बेसिक भी गया और यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, यहाँ पे होगा या अदर सेटिंग में होगा आई थिंक सो। यूज़र नहीं, यूज़र सेटिंग नहीं होगा बेसिक में। हाँ गाइज ये ऊपर यहाँ पे शो हो रहा है ब्लॉग एड्रेस, कि ये ब्लॉग एड्रेस है और अब हम इसके ऊपर डोमेन नेम ऐड करेंगे। डोमेन नेम ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे डोमेन नेम लिखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये डोमेन जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया कंट्रोल सी की मदद से और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर सेव करूँगा। अब इसके बाद एक इशू आ जाएगा, यहाँ पे वो कहेगा कि ये कनेक्ट नहीं हुआ, वो इसको कनेक्ट किया जाए और उसको हम देखेंगे कि किस तरह से कनेक्ट करते हैं, जिसमें हमें ये कुछ कोड्स वगैरह देंगे वो हम पुट करेंगे जाके अपने फ्री नोम की डोमेन एरिया में जो क्लाइंट एरिया है इनका। ये क्यों टाइम ले रहा है? तो गाइस सॉरी, मेरा जो है इंटरनेट स्टॉप हो गया था उसकी वजह से यहाँ पे इशू आ गया। दोबारा से इसको रीलोड करूँगा। ओके, रीलोड करने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा से इस डोमेन नेम को इंटर करूँगा और सेव करूँगा। ये कह रहे ब्लॉग्स मे नॉट होस्टेड एट नेक डोमेन्स योर डोमेन डॉट कॉम प्लीज़ टॉप लेवल डोमेन। हम इसके साथ www डॉट इनपुट करके देखेंगे क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ओके वी हैव नॉट एबल टू वेरीफाई योर अथॉरिटी। अब उसने एक्सेप्ट कर दिया बट वो कह रहे कि वेरीफाई नहीं है अथॉरिटी, तो उसके लिए ये बता रहा है कि ऑन योर डोमेन रजिस्ट्रार वेबसाइट लोकेट योर डोमेन नेम सिस्टम DNS एंड इंटर द सी नेम्स। हमें ये दो रिकॉर्ड्स जो हैं सी नेम इनपुट करने पड़ेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए मैं मैनेज डोमेन पे जाऊँगा और मैनेज डोमेन नेम पे जाने के बाद हम DNS में ओहो क्या इशू है इसमें। ओके मैनेज DNS, ये देखें ऊपर लिखा हुआ मैनेज फ्रीनोम DNS। फ्रीनोम कंपनी का नाम हो गया और DNS हो गया, ठीक है। और इसमें हमने क्या करना है, सी नेम्स इनपुट करने हैं। उसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट टाइप करेंगे आप सी नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेम में www फर्स्ट वाला और यहाँ से GSS टारगेट में आप ये पुट कर देंगे। आप एक और लेंगे मोर रिकॉर्ड्स, ठीक है, और इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और सीने में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सिंपल एज के इसको भी जाके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। ओके गाइस अभी सेव हो जाएगा आई थिंक सो। देखें रिकॉर्ड एड सक्सेसफुली। अब दोबारा से हम इसको सेव करके देखेंगे तो अभी भी एरर आ रहा है, तो एरर आ रहा है तो हम यहाँ पे जो है व्यू इंस्ट्रक्शन सेटिंग इंस्ट्रक्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा नीचे ये ए रिकॉर्ड्स, हमें ये 4 ए रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे इनपुट करने पड़ेंगे। उसके लिए ये टाइप हुआ ए रिकॉर्ड, ठीक है, ये मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा। सेकेंडली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा और थर्ड में मैं एक और लूँगा ये वाला। ये डोमेन्स की जो है ना कनेक्टिंग सेटिंग होती है सर्वर्स के साथ, तो इसको आपको करना बहुत लाजमी होता है, उसके बगैर तो ये कनेक्ट ही नहीं होती है। तो ये मैंने 4 रिकॉर्ड्स ए टाइप में
अब उसने बताया कि यहाँ पे एड फॉर ए रिकॉर्ड्स विच पॉइंट्स टू गूगल आई पी, ये गूगल आई पी है ठीक है, तो अब सेव करूँगा, होप सो कि ये इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट करेगा तो तब भी हमारा अकाउंट जो है वो हमारी डोमेन जो है वो कनेक्ट होगी फ्री नेम के साथ। ओके ये देखें ये आ रहा है यहाँ पे, फोर रिकॉर्डेड एड सक्सेसफुली, चारों रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। अब मैं देखूँगा इसको सेव करके, ओके कंट्रोल सी, अब इसको रिफ्रेश कर दूँ एक दफ़ा। रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे पुट करूँगा, देखें गाइस ऊपर आ गए सेटिंग वर सक्सेसफुली, डोमेन नेम ऐड हो गई है। इसके ऊपर एडिट करके और नो कैंसिल कर दूंगा। आपने यहाँ से HTTPS जो है आपका अवेलेबिलिटी आपको यस करनी होगी, क्योंकि HTTPS के अलावा आजकल SEO में इसका कोई काम नहीं। अब मैं व्यू ब्लॉक करूँगा, तो ये मेरा पहले ब्लॉक एड्रेस था, अब ये रीडायरेक्ट हो जाएगा उसके ऊपर ऑटोमेटिकली, और कुछ टाइम के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर सेट हो जाएगा। अभी जो है ये ओपन भी नहीं होगा मेरे पास, क्योंकि ये अभी नया फ्रेश जो है लॉगिन हुआ है और मेरी आईपी के ऊपर ये हो गया होगा बैन आई थिंक सो। तो ये विद इन 24 आवर जो है मेरे पास ओपन हो जाएगा। मैं प्रॉक्सी लगा के आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओके ये प्रॉक्सी का भी ट्यूटोरियल मैंने बताया हुआ अपने चैनल पे, लास्ट अपलोड किया था, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये मेरे पर प्रॉक्सी ओपन हो गई, अब मैं इसको दोबारा से ओपन करके देखूंगा और उम्मीद करता हूँ कि इसको ओपन हो जाना चाहिए। ओके ये मेरे पास यहाँ पे क्लॉक का टाइम का एरर दे रहा है, कोई मसला नहीं, आई थिंक सो मेरा एक दिन पीछे है। तो ये एरर जो है छोटे छोटे आपको पेश आ सकते हैं, मैं रिफ्रेश करूँगा फिर से। ओके अब ये देखें गाइस इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। तो देखें गाइस ये ओपन हो चुका है, डोमेन नेम लोड हो चुकी है और डोमेन नेम ऐड हो चुकी है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इससे पहले वाला ट्यूटोरियल भी आप देखें, जिसमें मैंने बताया कि हम किस तरीके से अकाउंट लॉगिन करते हैं, फ्री नोम के ऊपर साइन अप करते हैं और डोमेन रजिस्टर कराते हैं, क्योंकि इसके ऊपर साइन अप का ऑप्शन नहीं है तो लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होता है कि किस तरीके से इसको जो है साइन अप करें। सो गाइस नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनती हैं और आप लोग इसको शेयर ज़रूर किया करें। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।